સુરતમાં કોરોનાના કેસોમાં ઘરઘમ વધારો થઈ રહ્યો છે ત્યારે તંત્ર હવે લોકોને જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। સુરતના સાયન્સ સેન્ટર ખાતે મનપા કમિશનરની અધ્યક્ષતામાં સોસાયટીના પ્રમુખ સાથે એક બેઠક યોજવામાં આવી જેમાં સોસાયટીના પ્રમુખોને સોસાયટીની અંદર કેસ આવ્યો હોય ત્યાં કઈ રીતે તકેદારી રાખવી શું પગલાં લેવા તે અંગે જાણકારી અપાઈ હતી। अनलॉक एक बाद सूरत में कोरोना नो राफड़ो फाट्यो छे। दिवसे ने दिवसे हवे 200 थी वधु केसो सामे आवी रह्या छे। एटलू ज नहीं सूरत में पॉजिटिव केसों नो आंक 11,000 ने पार करी गयो छे। आज दिन सुधी कोरोना ना 509 लोगों ने भरखी गयो छे त्यारे लोगों ने जागृत करवाना प्रयासों तंत्र द्वारा करवामां आवी रह्या छे। सूरत पोलिस ना उच्च अधिकारीओ पण विविध विस्तार में जई सोसायटी ना प्रमुखों ने केवी केवी तकेदारी राखवी ते अंगे जानकारी आपी रह्या छे। सूरत में मनपा कमिश्नर बीएन पानी द्वारा सूरत ना साइंस सेंटर खाते पॉजिटिव आवेला सोसायटी ना प्रमुखों अने होद्देदारों साथे बैठक योजी हती जेमा सोसायटी ना प्रमुखों ने सोसायटी नी अंदर केस आव्यो होय त्यां केवी केवी तकेदारी राखवी अने शू शू पगला भरवा ते अंगे जानकारी अपाई हती। आ उपरांत जे व्यक्ति होम आइसोलेशन में छे ते आइसोलेशन नो भंग करे तो मनपा तंत्र ने जाण करवा अपील पण करी हती। आ उपरांत सोसायटीना प्रमुखोना केटलाक सवालो हता जेनुं निराकरण पण मनपा कमिश्नर द्वारा करवामां आव्युं हतुं। पूरे पैमाने पर इम्प्लीमेंट हो सके ऐसा अभी तक हमारा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अभी आप लोगों को पता है कि सूरत शहर में हम जहां बैठे हैं वहां अनलॉक का प्रक्रिया लगभग 2 महीना पहले में 18 तारीख को शुरू हो गया है। मार्च 17 तारीख को आप ही के एरिया में पहला गुजरात का केस यहां आया था। उसके बाद ये वायरस बहुत जगह पर ट्रैवल किया है। वायरस का अगर गतिविधि आप देखेंगे तो पहले अथवा में आने के बावजूद अथवा सबसे कम संक्रमित जोन में से है, क्योंकि वायरस को अथवा के लोगों ने मतलब आप लोगों ने उसको मौका नहीं दिया। जिन्होंने पहले मौका दिया वहां वायरस पहले गया। पहले लोगों ने मौका दिया बाद में लोगों ने अनदेखी करी। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक 1 हुआ तब पता नहीं क्यों लोगों को एक कंफ्यूजन हुआ कि अनलॉक मतलब कोरोना निकल गया। ये कंफ्यूजन के वजह से बहुत लोगों की जान गई। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल आई विटनेस न्यूज, सूरत।